गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का पार्ट शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे इनका भाषण। प्यारे देशवासियों, पुनित आर्यव्रत में बसने वाले, क्या तुम इतनी अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? तो स्वामी जी क्या बोलते हैं सबको आज़ादी की तरफ अग्रसर करते हुए कि प्यारे देशवासियों, आप पुनित आर्यव्रत में जन्मे हुए लोग हो, मतलब आप हिंदू लोग हो, हिंदू जाति के हो, तो क्या तुम इस तिरस्कार भरी ज़िंदगी को जी सकते हो, कायरता भरी ज़िंदगी को जी सकते हो, स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे, क्या तुम स्वतंत्र हो सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? वो ये कहते हैं कि स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ना किसका काम है? वीर पुरुषों का, जो वीर होते हैं, जिनके अंदर हौसला होता है, वो जो कभी हार नहीं मानते, ये उनका काम है। हे भारत निवासी भाइयों, यह अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियाँ हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि ये याद रखो मेरे भाइयों की जो ये सीता जी थी, सावित्री थी और दमयंती थी, ये क्या थी? तुम्हारी ही जाति की देवियाँ थी, मतलब ये भी हिंदू ही थी। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि तुम मर्द बनो और अंग्रेज़ों को ललकार कर कहो, मतलब कि उन्हें चेतावनी दो, जिस सामने जाकर उन्हें भगा भगा कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। तो स्वामी जी ने क्या बोला कि आपको क्या कहना है उनके सामने कि आप भारतवासी हैं और जो भी हो, चाहे कि कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, वो क्या है? मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। और आपको ये बोलना है कि भारत क्या है? मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी है और मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। जो भारत के देवता हैं वो मेरा भरण पोषण करते हैं, यानी वो मुझे पालते पोसते हैं, क्योंकि भारत की जो धरती है उसी पर तो आप फसलें उगाते हैं, और जब वो हो जाती है फसल तभी तो आप उसको खाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत की धरती है वही मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। और क्या बोलते हैं कि भारत क्या है? मेरे बचपन का खिलौना है, सॉरी झूला है, हिंडोला मतलब झूला, मेरे यौवन का आनंद लोक है, मतलब मेरी जवानी का क्या है, ये आनंद लोक है जिसमें मैं आनंद ले सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है, और मेरे बुढ़ापे का क्या है, ये धाम है। बैकुंठ एक धाम होता है हिंदुओं में। तो ये है, ये भारत को ये बोला है स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।